हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग आज कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक को स्टडी करेंगे कि अगर कैपेसिटेंस की जो प्लेट्स हैं उनके बीच अगर हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है वो कैसे बदल जाता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने उसी पहली कहानी से जहां हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स को हम एज अ कैपेसिटर यानी कंडक्टर को हम चार्ज स्टोर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। तो अगर हम कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने के लिए नहीं यूज कर पाए, उसके पीछे का रीजन ये था कि कंडक्टर को अगर हम एक हाई अमाउंट ऑफ चार्ज दे देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, वो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा। वो अपने आसपास इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा कंडक्टर, ताकि क्या होगा, ताकि जो एयर में प्रेजेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, और वो आयनाइज होने के बाद कंडक्टर पर प्रेजेंट चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे या लीक करना, जिससे हमारे चार्जेस लीक होने लगेंगे। इसी का एक हमने सॉल्यूशन निकाला, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की मदद से कैपेसिटर बनाया, और वो कैपेसिटर क्या करता था, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है विदाउट प्रोड्यूसिंग मच अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम चाहें कि हम उस कैपेसिटर को और ज्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेबल बना सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डाइइलेक्ट्रिक का। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया जाता है ताकि वो कैपेसिटर अपनी लिमिट से और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सके, जो नॉर्मली वो करता था अगर उसके प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या एयर था। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से, जैसे ये मेरा नॉर्मल कैपेसिटेंस है, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट पर, एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, तो और इस प्लेट की प्लेट एरिया ए है और इनके बीच का सेपरेशन डी है और इसके बीच में एयर है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो कुछ पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होती थी, और जो हमारा कैपेसिटेंस होता था वो कितना होता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता था। अब देखिए, अगर हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, अगर हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर हम इस रीजन में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तब क्या होगा। देखिए, हमने प्लेट्स की एरिया को वही रखा है ए, हमने सेपरेशन को डी रखा, ठीक है, यहां पर चार्जेस मान लेते हैं कुछ क्यू डैश अमाउंट ऑफ चार्ज आया, ठीक है। तो यहां पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यहां पर वो घट के कुछ कम हो जाएगी, वो ई हो जाएगी, घट के ई नॉट से ई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी क्यों, क्योंकि हमने इससे पहले वाला लेक्चर में पढ़ा था कि जो डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके सर्फेस पर चार्ज आकर के स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो हमारी एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट करने लगती है। समझ में आ रही बात। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम का होता है कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से क्या फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से फायदा ये मिलेगा कि हम और चार्ज प्लेट्स पर दे सकते हैं जिससे ब्रेकडाउन होकर नहीं होगा, यानी चार्ज लीक नहीं होंगे। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को रिड्यूस करने का पर्पज ही यही है कि जो दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाए और हम और ज्यादा चार्ज प्लेट्स को दे सके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम ये देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक रिड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ता है, या कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है। चलिए ठीक है, इसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये दो प्लेट है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, हमने पूरे स्पेस में नहीं, हमने एक छोटे से स्पेस में या टी थिकनेस की डाइइलेक्ट्रिक हमने कैपेसिटेंस के प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर दी। तो होगा क्या, यहां पर आप देख सकते हैं होगा क्या, यहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है आपकी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वो क्या करेगा, उसकी वजह से यहां पर अंदर एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो डाइइलेक्ट्रिक के जो फेसेस हैं वहां पर चार्जेस आके इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, वहां पर चार्जेस आ जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएंगे, यहां पर चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। वो चार्जेस क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसके अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, देखिए ई नॉट पहले से थी, ईपी इंट्रोड्यूस हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई आएगी, जो कि होगी ई नॉट माइनस ईपी, मतलब इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी। अरे बात सुनिए, बाकी जहां पर डाइइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगी, लेकिन जहां पर भी डाइइलेक्ट्रिक होगा वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड घट के ई रह जाएगी, हमारी कितनी हो जाएगी, ई नॉट से ई हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको पता है सेपरेशन जो है प्लेट्स का डी है, और यहां पर हमें एक रिलेशन पता है, हमें वो रिलेशन पता है कि वी इज इक्वल्स टू ई इन टू डी। आपको सेकेंड चैप्टर में ही ये पढ़ाया गया है कि आपका जो ई होता है वो होता है माइनस डी वी बाय डी आर, ठीक है, ये होता है रिलेशन, और इसी रिलेशन से ये फैक्टर हमें मिला
कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इनटू सेपरेशन कितना है दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। तो यहां से हम इसका यूज करेंगे। अब आप देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पर, अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो V है, हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, जो दोनों प्लेट्स के बीच का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? देखिए, कुछ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है और कुछ रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहां पर देखिए किस रीजन में, कितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जितना जो थिकनेस है आपकी डाइलेक्ट्रिक का, उतनी थिकनेस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस रीजन के लिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E इंटू टी हो जाएगा, E इंटू थिकनेस हो जाएगा, प्लस बच गया कितना रीजन, आपका रीजन कितना बचा, अगर डी टोटल रीजन था उसमें से आपने स्पेस था और उसमें से आपने टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने स्पेस में होगी, वो होगी डी माइनस टी स्पेस में। भैया अगर टी स्पेस में आपकी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो चुकी, क्योंकि टी स्पेस में आपका डाइलेक्ट्रिक है, टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है, तो उस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, बाकी कितना बच गया, डी माइनस टी बच गया, उसमें इलेक्ट्रिक, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस अब होगा वो क्या हो जाएगा, ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। पहले अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तब, तो बड़ा सिंपल था, आप ऐसे लिख देते, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है स्पेस में, ई नॉट, और स्पेस कितना है डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती, आपका पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन होता ई नॉट डी, ये तब होता जब कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन अब डायलेक्ट्रिक आ गया तो पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट नहीं है, तो जितने रीजन में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एड कर दीजिए तब भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहां पर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है E नॉट अपॉन E, इसका जो डाइलेक्ट्रिक होगा, इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक होगा, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं इस पे लिखने के लिए, इस रीजन का जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो कितना होगा, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा, E नॉट कितना था और इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बची, ठीक है, तो वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से E क्या आ जाएगा, आपका E आ जाएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस को वाइजली यूज करता हूं ताकि जो है मैं सारा डेरिवेशन कर पाऊं, तो यहां से E क्या आ जाएगा, E आ जाएगा E नॉट अपॉन की, सब्सटीट्यूशन कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसका, तो हम E की जगह पर क्या रख देंगे, हम रख देंगे E नॉट अपॉन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो उस मीडियम का है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, प्लस अब यहां से क्या होगा, E नॉट आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, T अपॉन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट प्लस D माइनस T। अच्छा, प्लेट्स के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, कितना चार्ज स्टोर किया अपॉन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो चार्ज स्टोर किया, मान लेते क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर किया है प्लेट्स में और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद, एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर है, तो यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पुट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। अच्छा, चार्ज क्या होता है, आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी है ना, आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा हुआ है, तो चार्ज क्या होता है आपका, आपका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स चार्ज अपॉन एरिया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, दो प्लेट्स में, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज की जगह पर हम, क्या पुट कर देंगे, हम चार्ज की जगह पुट कर देंगे सिग्मा ए, और ई नॉट की जगह हम पुट कर देंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा अपने डेरिवेशन में, तो हम यहां पुट करेंगे क्यू की जगह, हम क्या पुट कर देंगे, हम क्यू की जगह पुट कर देंगे इस चीज को, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, तो यहां पुट करते हैं, ठीक है, यहां पुट करते हैं, तो क्या आएगा, C इज इक्वल्स टू, क्यू कितना है, सिग्मा ए है, और E कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, C इज इक्वल्स टू ये, सॉरी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ठीक है,
तो ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा जब आप डाइलेक्ट्रिक को क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। आप क्या करोगे, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगर आपने टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आ जाएगी। और ओवरऑल यहां पर क्या होगा, यहां पर टी थिकनेस रखने की वजह से जो आपका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। आप खुद देखिए ध्यान से, डी था पहले, पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था नॉर्मल कंडीशन में जब एयर होती थी। अब यहाँ टी थिकनेस का तो माइनस टी हो रहा है ना, माइनस टी क्या करेगा, डी को कम करेगा, लेकिन टी बाय के प्लस हो रहा है। तो टी बाय कापा, टी बाय जो के है आपका, टी बाय डायलैक्ट्रिक की वैल्यू कम होगी टी से। तो जितना आप प्लस करो उससे ज्यादा आप माइनस करो तो ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। तो कैपेसिटेंस, अब क्योंकि डिनोमिनेटर घटेगा तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद और भी चीजें करते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा अगर हम पूरे ही स्पेस में, इस पूरे स्पेस में, टी थिकनेस के लिए नहीं, हम इस पूरे डी स्पेस में, पूरा जो स्पेस है इसमें हम पूरे में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, तब क्या होगा? उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपका जब आप ऐसा करोगे, मैं इधर इस साइड थोड़ा सा जगह बनाता हूं इसको ऐसे यहां से हटा करके। अब देखो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका डी और टी इक्वल हो जाएंगे ना। आप अगर पूरे स्पेस में, जैसे कि ये मेरी डाइलेक्ट्रिक, ये मेरी दोनों प्लेट्स हैं और इस पूरे रीजन में मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहा हूं, तो जितनी आपकी दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस है और जो आपका डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पर मैं बस इसको, यहां पर इस चीज को यूज करता हूं। हमारा अभी क्या आया है, कैपेसिटेंस जब टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट करा था तो आया था टी अपॉन कापा प्लस डी माइनस टी। अब यहां डी और टी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि मैं पूरी स्पेस में, जो पूरा स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच में, उस पूरी स्पेस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा तो जो दोनों प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस है और जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है वो बराबर हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही मैं इस चीज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, मैं टी की जगह डी रख दूंगा तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डी अपॉन कापा बचेगा और ये कापा ऊपर चला जाएगा, कापा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप देख रहे हो, पहले जब सिर्फ एयर था स्पेस में तो आपका कैपेसिटेंस कितना आता था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आता था। अब आपने उस स्पेस में जहां एयर थी वहां पर अब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है कोई, तो वहां पर जो आपका कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टाइम्स क्या हो गया है, वो कैपेसिटेंस आपका बढ़ चुका है। यानी जो C डैश यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने के बाद का जो कैपेसिटेंस है वो कापा टाइम्स होता है किसके, जब आपका जो स्पेस होता है उसमें एयर होता है, ठीक है। ये कंक्लूजन निकल करके आ गया, मतलब कैपेसिटेंस कापा टाइम्स, मतलब जितना जिस वैल्यू का आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करोगे उतने टाइम्स आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब एक और कंडीशन डिस्कस करते हैं, वो है कि जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब को, हम एक कंडक्टिंग स्लैब को अपने डाइलेक्ट्रिक, मतलब हम एक कंडक्टिंग स्लैब को कैपेसिटेंस के एरिया के बीच में इंसर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये मेरा कैपेसिटेंस की दो प्लेट है और इसमें मैं टी थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना इंसर्ट करके इस बार मैं कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा जैसे ही मैं कंडक्टिंग स्लैब को इस डाइलेक्ट्रिक प्लेट, मतलब इस कैपेसिटेंस के प्लेट के बीच में रखूंगा तो यहां पर एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो आपका कंडक्टिंग स्लैब रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इसके सरफेस पर इतने चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, इतने चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे कि वो क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल फील्ड को ही कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब ये है
इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी ज्यादा होगी कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचना चाहिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई नेट जो अंदर बचना चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई, और वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। क्यों क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इतना ज्यादा है कि वो ई नॉट के बराबर हो गया। कंडक्टिंग स्लैब में यही कहानी है, अगर आप कंडक्टिंग स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही क्रिएट हो जाती है कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, कैंसिल आउट कर देती है। इसीलिए इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इंटू डी होता है। अब यहां पर कुछ रीजन में, जैसे अगर हम बात करें तो टी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते ई है, और बचे हुए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डी माइनस टी। अच्छा, ई जीरो है, ई क्या है, जीरो। अभी हमने देखा इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो क्या बचा, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहां पर चार्ज कितना होगा, चार्ज हमारा होता है, चार्ज को हम क्यू ही अभी रखते हैं, और वी कितना है हमारा, ई नॉट डी माइनस टी। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक में भी देखा जो क्यू होता है वो क्या होता है, मान लेते प्लेट की एरिया ए है, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, यहां पर जो ई नॉट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस पर डिपेंड करेगी, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो किस पर डिपेंड करेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस रीजन में वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन हमारी चैप्टर वन की गॉस लॉ में, पुट करते हैं दोनों वैल्यूज को, तो चार्ज कितना है हमारे पास, सिग्मा ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डी माइनस टी। देखो कंडक्टिंग स्लैब लाने से भी कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, कंडक्टिंग स्लैब लाने से भी कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। कंडक्टिंग स्लैब लाने से भी हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, यहां पर एक और चीज हम देखते हैं, अगर हम पूरे ही स्पेस में कंडक्टिंग स्लैब को ले आए तो हम टी थिकनेस की जगह पूरे डी स्पेस में हमारा कंडक्टिंग स्लैब आ जाए तो क्या होगा, अगर हमारा जो कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में सी कितना आएगा, हम टी की जगह पर डी रख देंगे, तो ये हो जाएगा जीरो, यानी कैपेसिटेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की। आ रही बात समझो, मतलब जितना भी चार्ज देना है देते रहो, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की। नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन जीरो, तो जीरो से किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर जीरो से डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं पूरे स्पेस में, अगर हम कैपेसिटेंस के प्लेट्स के पूरे स्पेस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दें तो किन किन फैक्टर्स में कैसा कैसा फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ बेसिकली चार फैक्टर की बात करेंगे, पहला चार्ज कैसे चेंज हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो जाता है, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चेंज होता है, चौथा कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है, और पांचवा कि एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है प्लेट्स की। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं वो कैसे चेंज हो जाती है। तो सबसे पहला कंडीशन ये, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज कैप्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर। अब इसको समझते हैं ध्यान से, मान लेते हैं ये हमारा कंडीशन है, हमारा एक कैपेसिटर था, हमने पहले इसको बैटरी से कनेक्ट किया, हमने क्या किया इसको पहले बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये कैपेसिटेंस कुछ चार्ज स्टोर कर लेगा, ये कैपेसिटेंस कुछ चार्ज स्टोर कर लेगा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, और अगर बैटरी वी वोल्ट की है तो प्लेट्स के बीच में वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी। मान लेते कैपेसिटेंस क्यू नॉट है, चार्ज स्टोर किया वी नॉट, और जो वोल्टेज बैटरी की थी वो वी नॉट थी। ठीक है, तो जैसे ही आप एक वी नॉट वोल्ट बैटरी के साथ कैपेसिटेंस को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो उस पर चार्ज आ जाएगा कुछ, और कैपेसिटेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो मान लेते हैं जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया था, जब बैटरी कनेक्टेड थी तो चार्ज Q नॉट था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में V नॉट था, कैपेसिटेंस C नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते जो क्रिएट हुई वो E नॉट हुई, और कैपेसिटेंस ने जो एनर्जी स्टोर करी वो U नॉट करी। ठीक है,
आफ्टर बैटरी वॉज डिस्कनेक्टेड, अगर बैटरी ने डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, और हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया आफ्टर बैटरी वॉज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट के बाद, डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम मान लेते हैं हमने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, कितना के, हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, के है। अब क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या चेंज आ जाएगा, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे ना और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, और मान लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, तो ये ई की वैल्यू क्या होगी, ये ई की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी एयर या स्पेस में, अपॉन जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गई है डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से ई कितना आ जाएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट के। अब आप देख सकते हो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा तो वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, वन अपॉन डाइलेक्ट्रिक टाइम्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, घट गई। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटी तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी चेंज आएगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई इंटू डी होता है, तो वी नॉट क्या था, ई नॉट इंटू डी था, V not क्या था, E not into D था, लेकिन अब जो V होगा वो क्या होगा, E into D होगा, और E कितना हो चुका है हमारा, E हमारा हो चुका है E not upon kappa times, E not upon kappa times, E हमारा E not upon kappa times, तो E not into D, आप देखो E not into D किसके बराबर था, V not के बराबर था, यानी पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट गई कापर टाइम्स, और हमारा जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी घट गया, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी क्या हो गया, घट गया। और अभी हमने देखा है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है वो कापर टाइम्स बढ़ जाता है, वो कापर टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है, वो कापर टाइम्स बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस अगर कापर टाइम्स बढ़ जाता है तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है, तो हमें पता है जो Q नॉट है, Q नॉट क्या होता है, C नॉट V नॉट। पहले अगर कैपेसिटेंस ने Q नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करा था तो वो कैसे निकालोगे, C नॉट इनटू V नॉट से निकालोगे, ठीक है, C नॉट इनटू V नॉट से निकालोगे। अब क्या होगा, अब आपका जो नया चार्ज होगा वो क्या होगा, CV के बराबर होगा। अच्छा, CV के बराबर होगा तो C कितना है आपका, C आपका है कापर टाइम्स C नॉट, और V कितना है, V नॉट टाइम्स V नॉट अपॉन वन अपॉन कापा, V नॉट अपॉन कापा, तो कापा से कापा कैंसिल। हम देख पा रहे हैं कि अभी भी चार्ज सी नॉट वी नॉट है, यानी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज जितना पहले था चार्ज उतना अभी भी होगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज विल रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन द प्लेट्स, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। अच्छा, कंडीशन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हमने एक कैपेसिटेंस जिसके बीच में एयर था या वैक्यूम था उसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा, तो क्या कंडीशन थी, उसके बाद फिर हमने उस पर बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो क्या चेंजेस आने लगे, वही चेंजेस को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और फैक्टर एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं। अब पहले जो एनर्जी थी यू नॉट वो क्या थी, हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर थी, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो कैपेसिटेंस तो कापा टाइम्स बढ़ चुका है, ठीक है, कापा इंटू सी नॉट, और वी क्या हो गया है, कापा टाइम्स घट चुका है, वी नॉट अपॉन कापा स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हो हाफ कापा सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन कापा स्क्वायर, तो एक कापा से एक कापा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन कापा, यानी जो पुराना कैपेसिटेंस, जो पुरानी एनर्जी थी कैपेसिटेंस की, अब वो जो अब नई एनर्जी स्टोर हो जाएगी या जो नई एनर्जी बचेगी कैपेसिटेंस की, वो कापर टाइम्स घट जाएगी, वो कापर टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप देख सकते हो ये पहले वाली एनर्जी थी, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर पहले वाली एनर्जी थी, और वो अब क्या हो चुकी, कापर टाइम्स डिक्रीज हो चुकी। तो ये फैक्टर्स में ऐसे ऐसे चेंज आएगा, अगर आपने कैपेसिटेंस को पहले चार्ज किया उसके बाद उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट करके अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा, तो सारे फैक्टर्स में कुछ इस तरीके से बदलाव आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन पे बढ़ते हैं। अगर हम पहले कैपेसिटेंस को बैटरी से कनेक्ट करें, उसके बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट किए बिना ही हम क्या करें, हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दें, तब क्या होगा? सपोज दैट, मान लेते हैं ये हमारा कैपेसिटेंस था, ठीक है, इसे हमने ना V नॉट बैटरी से कनेक्ट करा, ये कैपेसिटेंस C नॉट था और इस पर चार्जेस आ गए, ठीक है, Q नॉट आ गए और इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट आ गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बैटरी को कनेक्ट ही रहने दिया और हमने अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिड्यूस कर दिया, तब क्या होगा? तो देखो, समझने वाली बात यह है कि अभी भी आपका कैपेसिटेंस बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो वापस से क्या करेगी, बैटरी की जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालने से वोल्टेज हल्की सी कम हुई, वापस बैटरी क्या करेगा, उसकी वोल्टेज को उतना ही कर देगा, तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, जो आपका वोल्टेज है वो वही रहेगा जो डाइलेक्ट्रिक से पहले था। क्यों? क्योंकि आप वोल्टेज क्या है बेसिकली, अभी यहां पर जैसी पोटेंशियल कम होगा, वापस से यहां से चार्जेस खींचना शुरू कर देगी बैटरी, और चार्जेस खींचने से क्या होगा, चार्जेस खींचने से, थोड़ा सा फिगर को मैं सही कर लेता हूं, ठीक है, दूसरी फिगर बनाता हूं, तो अब क्या होगा, अब आपका जो चार्ज है ना उसको खींचेंगे, पुल करेंगे, जिससे चार्जेस चेंज हो जाएंगे प्लेट्स पर और वापस से क्या होगा, पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल में फर्क, अगर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रह जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल नहीं बदल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ED होता है, तो ना हमारा V चेंज हुआ ना हमारा D चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रह जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर देखें कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका कापर टाइम्स इंक्रीज होगा, देखो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ये हमने देख लिया, हमने डिराइव करा है कि अगर हम किसी मीडियम में जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, कैपेसिटेंस उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, उतना डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज क्या होता है, सीवी होता है, ठीक है, तो अब सी क्या हो चुका है, के सी नॉट हो चुका है, और वी क्या है, वी नॉट है, तो हम देख सकते हैं चार्ज जो होगा वो कापर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज जो होगा वो कापर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तो पुराना चार्ज होगा सी नॉट वी नॉट, तो नया चार्ज कितना आ रहा है, कापर टाइम्स क्यों, मतलब चार्ज इंक्रीज क्यों कर गया, क्योंकि तो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ना, तो पोटेंशियल फिर से पोटेंशियल को सेम करने के लिए, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जैसे ही पोटेंशियल हल्का सा घटना शुरू हुआ, पोटेंशियल को सेम करने के लिए बैटरी ने चार्जेस को खींचना शुरू कर दिया, तो बैटरी से यहां से और पॉजिटिव कर दिया इस प्लेट को, और इस प्लेट को और ज्यादा निगेटिव कर दिया, तो चार्ज जो है वो कापर टाइम्स बढ़ गया, चार्ज बदल गया, ठीक है। अब अगला फैक्टर क्या है, एनर्जी। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है, तो यहां से सी कितना हो जाएगा, सी आपका बढ़ चुका है, और पोटेंशियल आपका अभी भी वही है, पोटेंशियल आपका वी जो है वो वी नॉट के बराबर है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो एनर्जी पुरानी थी, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं होता, हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, अब वो एनर्जी जो नई एनर्जी है वो उतने टाइम्स बढ़ चुकी है, यानी पुरानी एनर्जी से कापर टाइम्स बढ़ चुकी है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं क्लियर डिफरेंस कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, और अगर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट किए बिना ही हम अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट में चेंज आए, क्या 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 इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग फैक्टर्स में, वो हमने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया। तो इस पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा ना, वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और उस लेक्चर में मैं कैपेसिटेंस, यही डाइलेक्ट्रिक वाले जो क्वेश्चंस है ना, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, वोल्टेज क्या होगी, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइम्स के 4-5 न्यूमेरिकल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स या वीडियो समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, और अगर ऐसा है तो प्लीज आप मेरे लेक्चर को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। देखिए, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते, मुझे पता नहीं चलता कि जो चीजें मैं करा रहा हूँ वो कितनी आपको समझ में आ रही है। अगर आपको डाउट वगैरह भी है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं उसको और बेटर तरीके से अपनी वीडियोस को लेकर के आऊं, कि आपको डाउट्स हो ही ना, ठीक है। थैंक यू।